इंडिया ने बीट किया जापान जैसे मुल्क को, जिसकी जहाँ पहले इतनी इकोनॉमी नीचे थी। जी कल मैं KFC गई थी गलती से। हाँ जी 350 तो टैक्स ले लिया, 1500 का खाना। उफ अल्लाह, दिल टूट गया मेरा। अनबिलीवेबल, बट आई थिंक वो कर भी सकते हैं बिकॉज, और इंडिया मेरे ख्याल से बहुत ऊपर चला गया हमसे, इट हैज़ क्रॉस्ड अ लॉट। तो आई थिंक कुछ सीखना चाहिए पड़ोसी मुल्क से, ना कि हमेशा उनसे दुश्मनी रखने की बजाय उनकी कुछ पॉजिटिव बातें लेनी चाहिए। और 8 लाख जी नहीं यार, 8 लाख तभी यार, ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता यार, इतनी सस्ती। अमेजिंग अमेजिंग, 8 लाख रुपये क्यों, इसका की वजह है ये हमारे मुल्क क्यों इतनी महंगी है? तो जाहिर सी बात, उनकी मैशत या उनकी अपनी प्रोडक्शन होगी, इसके बारे में उनकी अपनी प्रोडक्शन होगी। बड़ी अच्छी बात की है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सहर। सहर, जो आज का टॉपिक है वो है गाड़ी से रिलेटेड। ये बताइए कि गाड़ियों का शौक है आपको? हाँ बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, किस तरह की गाड़ी का क्रेज़ है? BMW। BMW, बड़ी गाड़ी, बड़ा शौक, ज़बरदस्त, अच्छी बात है। देखने में तो हैवी लग रही है। सुजुकी है? सुजुकी है, ऐसी लिखा है ना, ऐसी लिखा है। अच्छा जी, गाड़ी तो पहचान ली है आपने उसके लोगों से, ये बताइएगा अगर पाकिस्तान में बात की जाए इस गाड़ी की कीमत क्या होगी? यही कोई 2 से 3 करोड़। 2 से 3 करोड़? तो और क्या, 15 करोड़ बोल दूँ मैं? नहीं नहीं, मैं वो भेज दूँ गाड़ी लेने के चक्कर में। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने पाकिस्तान में ये गेस किया है 2 से 3 करोड़ की होगी, तो आपकी हमसाया मुल्क इंडिया में कितने की होगी? 1 करोड़। 1 करोड़? हाँ। नहीं जी, वहाँ पे इस गाड़ी की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए। सिर्फ 8 लाख? जी इतनी इनकी नीचे गिरी हुई है, क्या कहते हैं, रेट इतने नीचे गिरे हुए हैं। अब मुझे ये बताएं कि इंडिया में इतनी सस्ती गाड़ी होने की वजह क्या लगती है? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। नहीं नहीं, उनके पास पैसे भी हैं, वो उनकी इकोनॉमी भी हमारे से बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी वहाँ पे रेट कम होने की रीज़न एक ये भी है कि वहाँ पे ये लोकल मैन्युफैक्चर की जा रही है। लोकल मैन्युफैक्चर की जा रही है, और पाकिस्तान में तो लोकल मैन्युफैक्चर नहीं की जा रही ना? नहीं करी जा रही, यहाँ पे सिर्फ असेंबल की जाती हैं। यहाँ पे तो स्पेयर पार्ट बाहर से आती हैं बनाने के बाद, सिर्फ मेन असेंबल सही आती है, हर चीज़ चाइना की है हमारे पास, इसीलिए तो एक्सपेंसिव है। हम इम्पोर्ट टैक्स उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, इम्पोर्ट होता है जी। पाकिस्तान से सब कुछ खत्म नहीं होगा तब तक ये कुछ नहीं करने वाले, ये इंतजार में है कि बिल्कुल बर्बाद हो, उसके बाद कुछ करेंगे। नहीं तो ये आप मुझे बताइए, 10-20 साल लगेंगे, 10 से 20 साल लगेंगे, तब तक ये गरीब आवाम को छोड़ेंगे? नहीं, लूट लूट के खाएंगे, लूट लूट के खाएंगे, भूखे। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे कि पाकिस्तान का जो डिपेंडेंट है वो चाइना और टोयोटा के बेस पर चल रहा है, सुजुकी ये मतलब पाकिस्तान की अपनी तो मैं 10% कोई गाड़ियों की प्रोडक्शन है, पाकिस्तान की अपनी कोई लोकल मैन्युफैक्चर नहीं। कोई एक ब्रांड बताएं पाकिस्तान का, क्या जो पाकिस्तान गाड़ी बना रहा हो? वो सुजुकी यूनाइटेड बना रहा था, लेकिन सुजुकी भी बाहर से सिर्फ यहाँ पे असेंबल की जाती है, या टोयोटा जो है वो असेंबल की जाती है, लोकल मैन्युफैक्चर नहीं की जाती। अगर इंडिया की बात करें, वहाँ टाटा है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बनिस्बत अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में एक भी ब्रांड नहीं है, और एक यूनाइटेड था लेकिन वो भी जो कि इतना स्ट्रगल नहीं कर सका, तो वो फ्लॉप हो गया। क्या कहेंगे इस पर? फ्लॉप होने की जो वजह है उनकी अपनी क्वालिटी पे सबसे पहले डिपेंड हो सकती है, ठीक है। दूसरी बार जो ये हैवी रेट से फॉरेन से आ रहे हैं, फॉरेन की कंपनी की वजह है, क्योंकि जो फॉरेन से हम इंपोर्ट कर लेते हैं तो उसके ऊपर हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। एक तो हमारे मुल्क की जो मनी सर्कुलेट होती है वो ज़्यादा होने की वजह से हमारे मुल्क में जो प्राइसेस है उसकी लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बहुत अच्छी आला ये गाड़ी पसंद आई है? जी जी गाड़ी पसंद है, बिल्कुल बहुत अच्छी है, ब्रांड बहुत अच्छी गाड़ी है। ये बताइएगा किस कंपनी की लगती है? ये मेरा ख्याल है टोयोटा को लगती है। सुजुकी की है। अच्छा सर, बात करें सुजुकी की इस गाड़ी के मॉडल की, तो इस गाड़ी का जो मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी क्या प्राइस होगी पाकिस्तान में? 80-90 लाख होगी, आई थिंक 90 लाख। हाँ इतनी होगी करोड़ के आसपास। लेकिन सर इस गाड़ी की कीमत अगर आपने गेस किया कि पाकिस्तान में 80-90 लाख है, तो आपके हमसाए मुल्क इंडिया में कितने की होगी? इंडिया में हमारे से थोड़ी सी सस्ती होगी, कोई 10-20 लाख, क्योंकि अभी यानी 10-20 लाख इससे कम होगी तो 70 लाख लगा लें। हाँ जी इतनी होगी 70 लाख। हाँ 70 लाख आई थिंक। लेकिन सर आपके हमसाया मुल्क इंडिया में इस गाड़ी की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपये है। 8 लाख? जी नहीं यार, 8 लाख तभी यार, ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता यार, इतनी सस्ती कैसे? अच्छा मुझे बताइएगा आपका हमसाया मुल्क में क्यों नहीं इतनी सस्ती हो सकती, क्या रीज़न लगती है अगर हमारे मुल्क में तो अगर इतनी महंगी है और वहाँ पे अगर इतनी सस्ती गाड़ी कैसे हो सकती है?
ये यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, 8 लाख का नाम ये कोई मजाक तो थोड़ी है कि 8 लाख की गाड़ी इधर 90 लाख की और उधर 8 लाख। अच्छा सर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो गाड़ी है आपके हमसाया मुल्क इंडिया में इसलिए भी सस्ती है, वहाँ पे एक तो ये लोकल मैन्युफैक्चर की जा रही है और वहाँ पे ये मारुति सुजुकी के नाम से है। बताइएगा कैसी लगी है? अमेजिंग अमेजिंग जबरदस्त, यानी कि अच्छी लगी है आपको गाड़ी। राइट राइट। अच्छा जी इस गाड़ी की कीमत पाकिस्तान में क्या होगी? तकरीबन 1 करोड़ के नज़दीक। 1 करोड़ तक होगी पाकिस्तान? किस कंपनी की लगती है ये? मुझे सुजुकी की है। अच्छा जी गाड़ी तो आपने देख ली है और पाकिस्तान में आपने बताया 1 करोड़ के राउंड बोर्ड, अगर यही गाड़ी अगर आपकी हमसाया मतलब इंडिया में देखी जाए कितने की होगी? इसका एक्सपीरियंस मुझे नहीं है लेकिन सस्ती होगी शायद। कितनी की होगी? यही कोई 50-60 लाख। 50-60 लाख। लेकिन वहाँ पे इस गाड़ी की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए है। क्यों, इसका की वजह है? ये हमारे मुल्क में क्यों इतनी महंगी है? हमारे मुल्क में क्यों महंगी है? वहाँ पे इसलिए इतनी सस्ती है कि वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर की जाती है, हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर नहीं होती। क्या आई थिंक इट्स सुपर्ब, नाइस लुकिंग कार। अच्छा जी क्या प्राइस होगी पाकिस्तान में? आई थिंक इट शुड बी अबाउट करोड़। 1 करोड़ तक की तो ऑब्वियसली होगी ये। और अगर इसी गाड़ी की बात करें आपके हमसाया मुल्क इंडिया में तो वहाँ पे क्या प्राइस हो सकती है? 50 लाख्स। 50 लाख, मे बी हाफ ऑफ इट। लेकिन सर वहाँ पे इस गाड़ी की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपये। अनबिलीवेबल, बट आई थिंक वो कर भी सकते हैं बिकॉज दे आर बिकॉज इस वक्त वो अपनी गाड़ियाँ खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सो आई थिंक ये फिर यहाँ वहाँ पे प्राइस इतनी हो भी सकती है इस गाड़ी की। पाकिस्तान को इस लिहाज से तो बहुत नीचे देखती हूँ क्योंकि अभी आपने बताया कि वो अपनी मैन्युफैक्चर भी नहीं कर रहे हैं, बाहर से ही हम सब कुछ ले रहे हैं, इंपोर्ट ही कर रहे हैं, तो फिर बहुत अरसा लगेगा। बहुत अरसा लगेगा, बहुत ही कोई ज़्यादा। तो देखिए जापान जैसे मुल्क को बीट किया है, इंडिया का इंडिया एक ने बीट किया है जापान जैसे मुल्क को, जिसकी जहाँ पहले इतनी इकोनॉमी नीचे थी जी। तो वो देखिए ना रकबे में जितना बड़ा मुल्क है उसके लिए इकोनॉमी संभालना या मुल्क को लेके आगे चलना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, लेकिन इतना आसान कर डाला उसने अपने मुल्क के लिए। जब अपना माइंड लगाना पड़ेगा हर काम में और मेहनत। आपको नहीं लगता कि हमारे सियासतदानों से ज़्यादा अच्छे सियासतदान हैं वहाँ पे? हाँ जी, पर मैं उनसे मिली नहीं हूँ, मुझे क्या पता कैसे हैं वो। देखिए जी मुल्क की इकोनॉमी से ही नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो चुकी है, वो दुनिया के 5 वाले तो हमें खाए जाए जा रहे हैं। हाँ। हर चीज़ में खा रहे हैं, ये टैक्स। कल मैं KFC गई थी गलती से। हाँ जी 350 तो टैक्स ले लिया, 1500 का खाना। उफ़ अल्लाह, दिल टूट गया मेरा, दिल टूट गया जी। दुआ तो यही करते हैं कि KFC वालों को इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्ची का दिल ना टूटे तो उसको ज़रा कम प्राइस में दीजिएगा। लास्ट में हमारी देखने वाली ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि पाकिस्तान में भी गाड़ियाँ बनाएँ और मुझे भी एक गिफ्ट कर दें। पाकिस्तान में मिलनी चाहिए आवाम को, पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई इतनी हो जा रही है ना, बस क्या करें सर। जो आम मिडिल क्लास लोग हैं वो तो ऐसी गाड़ियों की बस सोच ही रख सकते हैं, ले नहीं सकते क्योंकि इतनी महंगी 90-80-90 लाख की। कभी कोई मिडिल क्लास कोई नौकरी करता हो, सरकारी नौकरी भी करता हो, वो भी आजकल तो बाइक नहीं ली जा रही। अच्छा। हम देखिए अगर वो इतनी तरक्की कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं अपनी आवाम के लिए, तो हमें भी चाहिए, हमारे जो सियासतदान है जो हुक्मरान है उनको चाहिए कि हमारे लिए हमारी आवाम के लिए ये करें, क्योंकि हमें भी सोचते हैं हमारे हुक्मरान हमारे लिए कुछ करेंगे जी सर? तो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता करेंगे। अभी तो फिलहाल ना आटा ही सस्ता कर दिया तो यही काफ़ी है, यानी कि लोगों को खाने के लिए रोटी मिल जाए, आटा मिल जाए, यही काफ़ी है। हाँ, गाड़ी की तो अभी दूर की बात है, यही आटा हो जाए, यही इसीलिए हम बहुत पीछे रह गए हैं कि हम लोग तो सिर्फ अभी खाने का सोच रहे हैं, वो लोग तो आगे बहुत आगे निकल गए हैं। तो यही करें ना, अभी खाने का नहीं कुछ मिलेगा तो आगे कैसे सोचेंगे, खाना भी ज़रूरी है पहले। खाना भी ज़रूरी है। मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी पे वर्क करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस यहाँ पे रन करने की कोशिश करें, और कोशिश करनी चाहिए कि गाड़ियों की यहाँ पे भी अपनी, जैसे इंडिया अपनी गाड़ियाँ खुद बना रहा है तो यहाँ इनको भी चाहिए कि अपनी गाड़ियाँ खुद ही बनाने की कोशिश करें, एंड और अपने मुआहदे और अपने मुआहदे पर डटे रहें। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस ही इतनी है, फिर करप्शन एंड ऑल दिस, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से भी डरते हैं यहाँ पे। सो आई थिंक उनको इन इश्यूज़ पे काम करना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स आएँ यहाँ पे, इन्वेस्ट करें, अपने बिजनेसेस इस्टेब्लिश करें, ताकि पाकिस्तान भी ज़रा आगे बढ़ने की कोशिश कर सके, बिकॉज पाकिस्तान इज़ गोइंग वे बहुत नीचे जा रहा है इस वक्त डेवलपमेंट में अगर देखा जाए, और इंडिया मेरे ख्याल से बहुत ऊपर चला गया हमसे, इट हैज़ क्रॉस्ड अ लॉट।
तो आई थिंक कुछ सीखना चाहिए पड़ोसी मुल्क से, ना कि हमेशा उनसे दुश्मनी रखने के बजाय उनकी कुछ पॉजिटिव बातें लेनी चाहिए और उन पे वर्क करना चाहिए। ओके, इसकी जो मेन रीज़न है मुआशरे कमज़ोरी की, जो सबसे पहले हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनकी वजह से, मतलब वो खुद करप्ट पे करप्ट किए जा रहे हैं आगे पीछे, तो देट्स वाई हमारा मुल्क जो है मुआशी जो अमीर है अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब बदतर होता है, इसी तरह पर बंदे की जो कैपिटल इनकम है वो लो होती जा रही है, लो होती जा रही है। इंडिया के हवाले से मैं सिर्फ एक लास्ट पे एक बात करना चाहूँगा कि 4.25 मिलियन की उन्होंने रिसेंटली सेल किया जो कि बड़ी टॉप सेल है, और उसके अलावा उन्होंने जापान जैसे मुल्क को बीट किया है और दुनिया में इस टाइम वो व्हीकल्स में वो तीसरे नंबर पर आ चुका है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्या कहेंगे इस पर? ये इंडिया है टेक्नोलॉजी के बेस पर दुनिया में भी चांस के अभी कोई 5वीं 6वीं रेंज पर आ रहा है, अब ये देखिए क्योंकि उन्होंने दूसरे अपने मुल्क को देखते हुए दूसरे कंट्रीज का जो सीन हो रहा था उनके हिसाब से उसने अपने आप को कंपैरिजन करा फिर खुद प्रोडक्शन करना। सर